मुनव्वर फारूकी को अपने ही फैंस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गुस्सा क्यों आया है। काफ़ी ज़्यादा वॉर चल रही है सोशल मीडिया पर। आखिरकार वॉर जो है किसके बीच में चल रही है? एल्विश यादव के फैंस और मुनव्वर फैंस के बीच में। ये क्या हो गया है? मुनव्वर फारूकी ने जो है एक शायरी डाली, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ही है, और उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बात बोली है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। उस वीडियो में अगर नहीं किया है देख के, तो इस वीडियो में देख के कर लो जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो। मुनव्वर फारूकी ने एक शायरी डाली, कोई बचा नहीं जमीन पर लाइक के एतबार मेरे। ये जो मैंने आप लोगों को शायरी बताई थी, ये शायरी डाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करती है। सवाल मतलब कि मुनव्वर फारूकी के ऊपर कि उन्होंने किसको सोच के ये शायरी जो है वो लिखी है। इसके बाद शुरू कर दिया, सबसे पहले जो है अगर देखा जाए तो जो भी सब चीज़ें हैं, एल्विश फैंस ने जो है ये वॉर शुरू कर दी। अभी एल्विश फैंस कुछ ना कुछ मुनव्वर को बोलते रहते हैं, मुनव्वर के फैंस भी जो है रिप्लाई देते रहते हैं, बट अब जो है ये बहुत ही गंदे नीचे लेवल तक गिर गया है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ यार, ये मतलब कि गाली जो देना होता है ना, ये अपने आप को सेटिस्फाइड करना होता है। मैं कल रात को सोते हुए भी ये बात सोच रही थी कि ये गाली क्यों बनाई है। गाली इसलिए बनाई गई है कि अगर आपके पास कोई जवाब ना हो तो आप गाली दे दें उसको और आप खुद सेटिस्फाइड हो जाएं कि भाई हमने तो बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। तो वही चीज़ जो है सेटिस्फैक्शन मिलती है आप लोगों को, पर आपकी ऐसा इज्जत नहीं बनती है जो लोग गालियाँ देते हैं। तो इन्होंने शुरू किया है एक्चुअली में मुनव्वर के फैन ने जो है एल्विश के फैन को ये बात बोली है कि भाई वाई यू डैश हिज सिस्टर। देखिए मैं वो बात नहीं बोल सकती हूँ, तो अच्छी बात भी नहीं है, मेरे को बोलना भी नहीं है यहाँ पर। आप कोई भी डैश में फिल कर सकते हैं, पर गंदी बात ही है। आपने उसकी बहन को डैश क्यों किया? मैं अपसेट हूँ, मुझे भी नेक्स्ट टाइम मौका दो डैश करने का। ये बात जो है अब मुनव्वर के फैन ने एल्विश के फैन, वॉर चल रही है। तो आगे वो लिखते हैं, मुनव्वर फारूकी की अम्मी को लेके आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदी बात है। भाई वो जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं है, तो आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, चाहे वो है, आप एक माँ के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, भाई शर्म करो कुछ तो। मुनव्वर के फैन को, इसीलिए मुनव्वर को भी गुस्सा आया है। मुनव्वर की अम्मी डैश ठीक है आगे बोलूंगा तो पेला जाऊंगा। फिर उसके बाद मुनव्वर के फैन ने एल्विश और एल्विश की मम्मी के साथ वाली फोटो जो है ट्वीट की और लिखा, क्या लिखा है, तेरे साथ कोई और भी पेला जाएगा, बोल कर दिखा आगे कुछ डैश मादर डैश। तो ये गालियां जो है हो रही है। इसके बाद जो है मुनव्वर फारूकी ने इन सब चीजों को देखा और उसके ऊपर एक ट्वीट किया, स्टॉप इट, डिलीट दिस, नॉट डन। तो मुनव्वर फारूकी किसी और के फैन को तो नहीं बोल सकते हैं, अपने फैन को बोल रहे हैं कि भाई ये चीजें डिलीट करो और ये सही नहीं है, और डेफिनेटली ये सही नहीं है। इतने यार मुनव्वर के फैंस ऐसे नहीं हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो यार, इतने गंदे लेवल तक गिर रहे हो। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूं कि अब मुनव्वर फारूकी के इस ट्वीट के बाद जो है कुछ मुनव्वर फारूकी के फैंस मुनव्वर फारूकी के ऊपर ही भड़क गए हैं, उल्टा ही हो गए हैं। अब वो क्या उल्टा हुए हैं, क्या मैटर हुआ है, वो आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।